तुम समझते क्या हो बे अपने आप को? मैडम, आप छोड़िए, छोड़ो उसे, छोड़िए मैडम। अरे चल, अरे ये करिश्मा, छोड़िए, अरे छोड़िए, 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 मीरा ये क्या है? सेल्फ डिफेंस मैडम सर, अकॉर्डिंग टू माई डेटा अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। मैडम सर सुनिए, ये क्या कह रही है, ये कैसे यहाँ रह सकती है? फिर 5 मिनट दीजिए मैडम सर, इस मशीन को तोड़ फोड़ कर इसका पूजा पूजा करके कबार खाने में ना बेच दिया ना तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। मैडम सर इस बार आपके ना जज्बात बीच में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ऐसे मशीन पे ना कोई जज्बात लागू होते ही नहीं है। हिम्मत कैसे हुआ अभी तुम्हारा हमारा गला पकड़ने का? हाँ तुमको तोड़ फोड़ कर बाहर फेंक देंगे ना कानून, कोई अपराध भी नहीं होगा हमारे ऊपर, समझो हमारी बात को। ऐसा गत बनाएंगे ना तुम्हारा कि तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग पे स्टॉप लग जाएगा, समझे? तुम्हारे अंदर से आवाज ना निकाल दिया ना कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं, समझे? करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैडम सर रॉन्ग कैलकुलेशन, इट्स नॉट एन इक्वल मैच। मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग मेरा एक पंच 550 पर स्क्वायर इंच का प्रेशर जनरेट करता है। जो इंसान तो क्या, जंगली घोड़े की खोपड़ी के भी परखच्चे उड़ा सकता है। आपने मेरा मैन्युफैक्चरिंग चार्ट पढ़ा है, आप जानती हैं कि मुझसे क्लाउड कनेक्टेड है, जिसकी वजह से मैं 1 मिनट में उतनी डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूं, जिसको कलेक्ट करने में एसआई करिश्मा सिंह को 1 हफ्ते से भी ज्यादा लग जाएगा। आग मुझे जला नहीं सकती, मैं बीमार नहीं पड़ती, मुझे भूख नहीं लगती, मैं रोती नहीं, मैं सोती नहीं, मुझमें कोई इंसानी कमजोरी नहीं, मैं साल में 365 दिन 24 घंटे लगातार काम कर सकती हूँ, बिना रुके बिना थके। सो आइडियली हर लिहाज से मैं एसआई करिश्मा सिंह से बेहतर हूँ। ये तो आत्मा से ज्यादा अमर है। विल्लू ओके, देखो मीरा तुम्हारे अंदर जो भी डेटा फीड किया गया है वो बहुत ही लिमिटेड है, वो हर जगह हर सिचुएशन में लागू नहीं होता है। एक इंसान दूसरे इंसान पर कभी भी जानलेवा हमला नहीं कर सकता मीरा। हर चीज का कायदा कानून होता है, लॉ होता है, प्रोटोकॉल होता है। जब एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी पर अटैक करती है तो वो क्राइम नहीं होता, वो एक इमोशन होता है। लेकिन जब एक इंसान जान लेने के इंटेंशन से दूसरे इंसान पर अटैक करता है तो वो क्राइम होता है, जुर्म। समझ में आ रहा है? Complicated humans. बहुत। तुम अंदर जाओ। ठीक है। और इसी complicated इंसान के अंदर तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। So आज के बाद जब तक हम तुम्हें कोई परमिशन ना दें, तुम किसी पर फिजिकल अटैक नहीं करोगी। क्लियर? क्लियर मैडम सर। डायरेक्ट कमांड, नो एक्शन विदाउट परमिशन। करिश्मा सिंह, उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक मशीन को इंसानी ताकत से हराया नहीं जा सकता। ना मैडम सर, आपके कहने का मतलब क्या है? हम ये लोहा स्टील ये पत्रा के डब्बा से हम डर जाएं? हाँ, क्योंकि फिलहाल अकलमंदी इसी में है, और वैसे भी थोड़ा सा डर आगे होने वाले बड़े नुकसान से बचा लेता है। और हम इसे डर कहेंगे भी नहीं, ये बस एक्स्ट्रा सावधानी है, एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है हम सबको। हम इस डब्बा से हार मान ले, आप ये कह रही हैं? नहीं करिश्मा सिंह, तजुर्बा कहता है हमारा कि एक मशीन कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, सच तो यह है कि उसे एक इंसान ने बनाया है। एक मशीन के अंदर सब कुछ डाला जा सकता है, दुनिया की हर ताकत डाली जा सकती है, लेकिन वो नहीं दे सकते जो ऊपर वाले ने सिर्फ इंसानों को दिया है, जज्बात। और यही है हमारा सबसे बड़ा हथियार। ये लड़ाई तय करेगी कि आने वाले फ्यूचर में किसका राज होगा, बेजान मशीनों का या इंसानी जज्बात का।
हाँ सर जी बिल्कुल, मीरा धीरे धीरे एडजस्ट हो रही है, इनफैक्ट टीम भी सपोर्ट कर ही रही है, आई एम श्योर कि कुछ दिनों सर हम आपको थोड़ी देर में फोन करें क्या, यहाँ कुछ इमरजेंसी है सर। जी सर करते हैं। ओके सर नो प्रॉब्लम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये क्या हुआ, आप तीनों को ऐसे बाहर क्यों खड़े और तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? मैडम सर हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैडम सर हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम भी स्वाभिमान रखते हैं, हमारी भी इज्जत है इस थाने में। हम मानते हैं कि हम ओहदे में ओहदे में हम आपसे करिश्मा जी से जूनियर हैं, मगर हमारा जो आपसे इस थाने से जो रिश्ता है उस लिहाज से तो हम आपसे बड़े हैं। गजब गई। हाँ हाँ पुष्पा जी ऑफ कोर्स हैं, इनफैक्ट हम हमारे लिए तो आप माँ जैसे हैं, लेकिन हुआ क्या? हाँ पर इस माँ की तो आंख कर दी ना इज्जत की मीरा ने मैडम सर। क्या? हाँ अगर माँ की इज्जत करती तो कल आई हुई वो टीम की चुड़ैल हमारा इस तरह से अपमान करती, हमें इतना भला बुरा कहती। अरे हमें तो छोड़िए। पुष्पा जी क्या क्या हुआ? हमें तो छोड़िए, ये दोनों जो मासूम भोले बड़े इन दोनों से पूछे, इनका भी अपमान किया। बोलो बोलो संतु बोलो। हाँ मैडम सर मेरा बहुत अपमान किया, मुझे मुझे डफर बुलाया है। अपमान संतु जो अपमान किया ना वो बोलो। बाप रे बाप। हाँ तो डफर बोला अपमान नहीं है पुष्पा जी। तुम छोड़ो चीते तुम। हाँ भाई क्या हुआ? मैडम सर बाप रे सॉरी सॉरी मैडम सर, ऐसा करंट मारी है मैडम सर, ऐसा करंट मारी है कि सर से लेके पैर तक बिजली दौड़ गया है हमारे। आप अभी चल के उस टीम के चुड़ैल से बात कीजिए और देख पूछिए उससे क्या 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 उसने हमारे सर। अच्छा ठीक है हम चल कर उससे बात करते हैं। ठीक है अंदर चलिए। आई नीरा हमारे स्टाफ का कहना है कि आपने इनके साथ मिसबिहेव किया, इन्हें इंसल्ट किया, क्या ये सच है? रॉन्ग एलिगेशन मैडम सर, ना तो मैंने इनकी इंसल्ट की है और ना ही इनके साथ मिसबिहेव किया है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, बल्कि इन लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वाह 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 वाह, शुक्रिया अदा करना चाहिए? किस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए? हमारा म्यूट हो गया। हाँ, हमारा गला दबाकर हमारी जान लेने की कोशिश की इसलिए कि दो घंटे तक हमारी आवाज चली गई थी, इसलिए इसको बोले कि ये हमसे माफी मांगे वरना फिर इस थाने में ये रहेगी या तो फिर हम। मीरा क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास? मैडम सर कुछ भी कहने सुनने से पहले आपको सीसीटीवी फुटेज देख लेना चाहिए। इंसानी भाषा में दूध का दूध पानी का पानी। संतोष शर्मा जी क्या ये सीसीटीवी फुटेज की हार्ड ड्राइव है? हाँ। ये देखिए मैडम सर। टाइम सोना नॉट राइट वेरी अनप्रोफेशनल आलसी ह्यूमन काम चोर ह्यूमन। मैडम आप मशीन हैं, आपको क्या पता कि सोना क्या होता है, आपको क्या पता कि नींद क्या होता है, आपको क्या पता कि झपकी का थपकी क्या होता है? मैडम जब से इस थाना में आया ना तब से ऐसे ही सो रहे हैं, आज तक मैडम सर का हिम्मत नहीं हुआ हमको उठाने का। वैसे भी मैडम हमारा बैटरी ना पूरा खत्म हो गया, प्लीज जाइए आप चार्ज होइए, हमको भी चार्ज सुन दीजिए, हमको भी सुन दीजिए मैडम। बैटरी खत्म है पूरा बैटरी मैडम। मैडम सर हम थोड़ा सा इसे झपकी ले रहे थे, हमको सोने का पूरा ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं था, ऐसा ही दो सेकंड का आराम करते संतु जी। पहले हमको बता देती ना कि सीसीटीवी का फुटेज ढांप लेती है, इतना ज्यादा नहीं फैलते हम,
थोड़ा हेल्प कर देती हमारा। मैडम सर अपमान तो हमारा हुआ है और भीषण अपमान हुआ है। हमारा हमारा क्या? हमारा हमारा गला दबाने की कोशिश की, हमारी जान लेने की कोशिश की, हमारी आवाज चली गई थी 2 घंटे के लिए। मैडम सर हम जैसी मासूम अबध खरगोश को तक नहीं छोड़ा इस मशीन ने। इनकी मासूमियत भी देख लीजिए मैडम सर, प्लीज दिखाइए। क्या जैन मैडम, थाने के टाइम टेबल के हिसाब से आप ड्यूटी टाइम से 15 मिनट और 34 सेकंड लेट हैं कांस्टेबल पुष्पा सिंह। हाँ वो जरा आईब्रो बनवाने गए थे ना, वहां पे थोड़ा ज्यादा समय लग गया। ड्यूटी के टाइम आईब्रो बनवाती है? हाँ तो ओगी भी तो ड्यूटी के टाइम पे ही थी ना। सारी तो नहीं ओगी होगी। तो सारी की भी तो कहाँ है? जहां जहां ओगी थी वहां वहां क्या? देखो चालाक ह्यूमन, मकार ह्यूमन, कपटी ह्यूमन। ओ मैडम क्या बगैती कर रही हैं आप? देखो हम यहाँ पे सीनियर है, बहुत इज्जत करते हैं, हमारी सम्मान के साथ बात करते हैं हमारे साथ, और आज आई नहीं हो कि हमारे साथ ऐसे बात कर रहे हो बदतमीजी से। चलो माफी मांगो हमसे, सॉरी कहो, सॉरी कहो। ये क्या कर रही? देखिए देखिए मैडम, देखिए देखिए। बाप रे बाप, सॉरी। दूर है। थाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने के बावजूद भी मैंने इन सबको सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया, इसलिए इन सबको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओके तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप दोनों ने गलती की है। उसने सही देखा लेकिन गलत रिएक्ट किया। लेकिन आप सबको अपनी आदतें सुधारनी चाहिए या नहीं? हम कुछ नहीं जानते मैडम सर, इससे कहिए कि ये हमसे माफी मांगे, वरना तो फिर इस थाने में ये रहेगी या तो फिर हम ममा कसम इस थाने में ये रहेगी या तो फिर हम। अच्छा संतोष शर्मा, पुष्पा जी का प्री रिटायरमेंट लेटर हमारे केबिन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ले आइए हम साइन कर देते हैं। जी जाइए जाइए सर। क्या जी? मैडम सर हम तो मशीन है, मजाक कर रहे थे वो। हाँ मशीन है, कुछ हम सिखाएंगे कुछ हम सीखेंगे उससे, ऐसी छोटी छोटी बातें हम ईगो पे लेते ही नहीं। और मीरा तुमने जो देखा सही देखा, लेकिन जो रिएक्ट किया वो गलत था। और तुम्हें तो ये सिखाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तुम्हारी ट्रेनिंग हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ओके सबसे पहला निर्देश, जब भी कोई यहाँ इस स्थान में आता है तो तुम हाथ जोड़कर नमस्ते करके स्माइल के साथ उनसे कहोगी, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? कैसे करना है? जो भी थाने में आए उससे हाथ जोड़कर स्माइल करके नमस्ते करना है और कहना है, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा कम स्माइल कम। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? परफेक्ट, गुड जॉब। थैंक यू मैडम सर। और कुछ करना है मैडम? नहीं आप जा सकती। और आप सब यहाँ आइए, आगे आइए। पुष्पा जी आप एक मशीन से सॉरी की उम्मीद कर रही हैं? उसमें तो इस तरह का कोई जज्बात है नहीं, लेकिन आप लोगों को उस एक मशीन से ये जरूर सीख लेना चाहिए कि डिसिप्लिन और सिंसेरिटी क्या होते हैं। पुष्पा जी आप भी। ताला में चाय डाल दो, आई हकने जाऊं। नमस्ते बिल्लू जी, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? बिल्लू जी। जी बिल्लू जी, हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? इतनी इज्जत? क्यों नहीं, आप भी तो औरों की तरह इंसान ही हैं, तो जो रिस्पेक्ट हम दूसरों को देते हैं वो आपको क्यों नहीं?
वैसे जितनी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में कलेक्ट की है उससे यही पता चला है कि क्या कुछ नहीं किया आपने इस थाने के लिए। तो देखा जाए तो आप बाकी थाना मेंबर्स से ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। आप टैलेंटेड हैं, काबिल हैं, सेकंड्स में कोई भी ताला खोल सकते हैं, तो आप जैसे टैलेंटेड इंसान की रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए। बस, बस, बच्चे की जान लोगे क्या? इतनी इज्जत। बिल्ला भी। नमस्ते। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? सीनियर है हम आपके, सल्यूट मारो हमको। ऑर्डर हमारा। सॉरी, ऑर्डर मैं सिर्फ हसीना मैडम के ही ले सकती हूँ। और कोई सेवा कर सकती हूँ आपकी? चाय बोलो हमारे लिए। चाय। हम अब बदनाम को फोन करके बोलो कि यहाँ हमारे लिए चाय भेजे। सॉरी, वो भी मेरी ड्यूटी का पार्ट नहीं है। और कोई सेवा कर सकती हूँ आपकी? मजाओ ना, भेजा मत खाओ हमारा। मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। शायद आप भूल रही हैं कि मैं एक मशीन हूँ, और जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है, भेजा खाने की नहीं, इस्तेमाल करने की चीज़ है। भेजा जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, है ना? और कोई सेवा कर सकती हूँ आपकी? किस टोपा इंसान ने स्टीम के डब्बे को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है? तुम्हारा ना अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, समझ लो हमारी बात को। चीते संतु, लेके जाओ इसको। इज्जत, इज्जत मिली है मुझे, इज्जत। ए बिल्ले, अरे लौटा दे, मिली हुई चीज रखते नहीं है और वो तुझ पे सूट करती नहीं है, कोई शक? मेरी बात नहीं सुनोगे ना, नहीं सुनोगे ना? भगवान ने काला मुंह दिया है तो भोगती रहोगी। मतलब नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो, किसने ऐसा पाप कर दिया? मतलब किसने इज्जत दे दी, बताओ बताओ। हाँ। थाने में नई इंस्पेक्टर आई है, मीरा जी, उन्होंने मुझे बोला, बिल्लू जी, बिल्लू जी, ओह माय गॉड, इतना बड़ा ढोंग, ढोंग, ढोंग ही। अरे उसके बाद तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान इस पूरे थाने में कोई नहीं है। सही 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 बात, इतना बेकार पड़े रहने का टैलेंट किसी के पास नहीं है। तुमको बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं। अरे तुम लोग ना कुछ अच्छा सुनने के लायक ही नहीं हो। मैडम जी क्या बताऊं, बहुत परेशानी में मैडम जी, क्या बताऊं, क्या हो गया? हां भाई साहब, शांत हो जाइए, बताइए क्या हुआ। नमस्ते। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? कितना प्यार से बोलती है मैडम, हसीना मैडम से मिलवा दीजिए, रिपोर्ट लिखानी, बहुत परेशानी में हम। जी जरूर। हमारी चांदनी चोरी हो गई मैडम जी। चांदनी, आपकी वाइफ? नहीं, हमारी बकरी। हमारी वाइफ का नाम तो ठुमरी है, और साथ में वसुंतला भी चोरी हो गई मैडम जी। वसुंतला कौन, आपकी माई? अरे नहीं, हमारी बाई। बाबूजी, अरे भाई, हम अपनी बाइक को प्यार से वसुंतला बुलाते थे। उका है ना कि आगरा वाली जो मौसी है ना हमारी, उनके नाम से हम अपनी बाइक का नाम रखे थे वसुंतला, बहुत प्यार करते। अच्छा, मतलब आपकी बाइक और आपकी बकरी दोनों चोरी हुए हैं? हाँ मैडम जी। ओके, कहाँ से? बस बांध के रखे थे बाहर। हाँ। बकरी को? अरे बाइक, बकरी तो हमारी पली हुई है, वो कहाँ जाती? और खतरा तो सबसे ज्यादा बाइक का था ना चोरी होने का, इसलिए हम उसको बांध कर रखे थे मैडम जी। लेकिन सुबह जब देखे ना तो दोनों गायब। मैडम जी, हम उसको रात में हरा हरा घास भी खिलाए। का? बाइक को घास खिलाए? अरे बकरी को। बाइक को इसलिए मिस कर रहे हैं मैडम जी, अब दूध कौन देगा? नहीं नहीं, एक मिनट, आपकी बाइक दूध देती है? ओह ये मार रहा है मैडम करंट। अरे दूध तो हमारी बकरी देती थी, बाइक से तो हम दूध पहुंचाने जाते थे ग्राहकों को, अब दूध कैसे देंगे? ऊपर से कागज भी पूरे नहीं है बकरी के। अब बकरी के कहां से कागज होते हैं, बाइक के कागज होते हैं ना, अब बताइए इनको। अरे एक मिनट,
अरे तो एक बार किसी एक चीज के बारे में बोलिए ना बड़े भैया। हाँ दे दे। नहीं नहीं, या तो दूध या तो बाइक, या तो बकरी या तो बाइक, ऐसे दोनों चीजों को आपस में ऐसे मिला लेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या। एक मिनट शांत हो जाइए पुष्पा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन पहले जाकर पता तो लगा लीजिए कि मामला क्या है। जी मैडम। एक मिनट मैडम जी, हमारी ठुमरी का फोन आया, हम बात कर। ठुमरी का है मेरी। हेलो। हाँ हाँ ठुमरी। मीरा तुम ठीक हो? मीरा इस मामले में तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो? मैडम से ये कहाँ मदद करेगी, ये मामला हमें सुलटाना होगा ना। हाँ जाइए देख रहे। मदद कर सकती हूँ मैडम सर, बस एक मिनट दीजिए। इन्होंने अपना नाम कमलेश कुमार बताया, इनकी बाइक मिल गई, बाइक फाउंड।